आज हम देखने वाले हैं क्लास 5 के मैरीगोल्ड बुक में से यूनिट नंबर 10 की पोएम मालू भालू। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हाई अप इन एन आइसी लेयर लिव्ड अ लिटिल पोलार बियर। स्नो वाइट स्नो ब्राइट वॉज हर मेन, मालू भालू वॉज हर नेम। वेरी सून आर मालू भालू लर्नड द थिंग्स हर पेरेंट्स न्यू। फिश टू कैच बिग एंड स्मॉल, Malu was a clever girl. Malu said to her mother one day, Ma, I am going far out to play. I want to see the things that lie there beyond the big blue sky. A little patience, child, said Mum, in the summer when next it comes. Summer, patience, what a test. Malu simply could not rest. First things first, Malu's mum clasped Malu tight within her arms. Then she said, her voice was firm, Now, my dear, you will have to swim. But, Ma, said Malu, what do I know? How will I? I've never swum before. Don't worry, dear, said Malu's mother. Do as I do, that's all, she advised her. She had no choice, no other way. Malu had to swim that day. Tight she gripped her mother's hand, into the water splashed to land. Brave mother's brave young daughter, doubt and fear she left behind her. Malu swam with all her might, it didn't matter wrong or right. But swimming came so naturally, her mother knew this and all could see. Fearless was Malu, this she knew. Not just brave, but special too. So this was the reading of the poem. Let's see the explanation of the poem. High up in an icy lair. मतलब ऐसी जगह पर, बहुत ऊंची सी जगह पर, जहां पर बर्फ होती थी. और लेयर का मतलब होता है एनिमल्स के रहने की जगह. लिव्ड अ लिटल पोलार बियर, वहाँ पर एक पोलार बियर रहते थे. स्नो वाइट ब्राइट वॉज हर मेन, और जो उसके मेन के होता है, मेन इज अ हेयर्स ऑन द नेक ऑफ द एनिमल्स, दैट इज कॉल्ड एज मेन. गले पर या गर्दन पर उनके जो बाल होते हैं उन्हें मेन कहते हैं. तो उसके बाल कैसे थे, पूरे सफ़ेद थे बर्फ के जैसे. और उसका नाम था मालू भालू. और जल्दी ही मालू भालू वो सारी चीज़ें सीख लेती है जो उसके पेरेंट्स को आती थी, जैसे बड़ी या छोटी मछली पकड़ना. मालू बहुत ही होशियार लड़की थी. मालू सेड टू हर मदर वन डे, मालू एक दिन वो अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे दूर जाना है खेलने के लिए, और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं वो मुझे देखनी है, और मुझे उस नीले आसमान के उस पार जाना है. तो उसकी माँ कहती है, अ लिटिल पेशेंस चाइल्ड, थोड़ा सब्र करो मालू, ऐसे उसकी माँ कहती है. इन द समर व्हेन नेक्स्ट इट कम्स, अगले समर में, मतलब जब धूप के दिन आएंगे तब तुम वहाँ जा सकती हो. समर, पेशेंस, व्हाट अ टेस्ट, ये कैसा इम्तिहान है, मैं ये नहीं कर सकती हूँ. मालू कहती है कि मुझे अब रोकना नहीं हो रहा है. तो मालू की माँ कहती है, मालू फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो चीज़ें ज़रूरी है पहले काम करने हैं वो पहले करने होंगे. और वो अपने बेटी को, मतलब मालू को, अपने गले लगाती है. यू कैन सी हेयर इन द पिक्चर. देन शी सेड, हर वॉइस वॉज फर्म, फिर वो दृढ़ आवाज़ में कहती है, नाउ माई डियर यू विल हैव टू स्विम. वो अपनी मालू भालू को कहती है कि अब तुम्हें तैरना होगा, तैरना सीखना होगा. तो मालू कहती है, बट माँ वट डू आई नो हाउ विल आई. मालू कहती है कि मुझे तो पता नहीं है कैसे तैरते हैं, मैंने इससे पहले कभी तैरना नहीं किया है. डोंट वरी डियर, सेड मालूज मदर. तो मालू की माँ कहती है कि फिक्र मत करो, तुम वैसे ही करो जैसे मैं करती हूँ. शी हैड नो चॉइस, नो अदर वे, मालू हैड टू स्विम दैट डे. अब मालू के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, उस दिन उसे तैरना ही था. टाइट शी ग्रिप्ड हर मदर्स हैंड into the water splash to land. फिर मालू ने क्या किया, अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया, जोर से पकड़ लिया उसने, और वो अपने हाथ पैर चलाने लगी पानी के ऊपर.
ब्रेव मदर्स ब्रेव यंग डॉटर डाउट एंड फियर शी लेफ्ट बिहाइंड। वो एक शूर माँ की शूर बेटी थी और जो भी उसके मन में डर था वो उसने पीछे ही छोड़ दिया था। मालू स्वैम विथ ऑल हर माइट। मालू तैरने लगी अपनी पूरी ताकत लगाकर। माइट का मतलब होता है द स्ट्रेंथ और द पावर। इट डिडेंट मैटर रॉन्ग और राइट। फिर वो चाहे सही था या गलत था इससे फर्क नहीं पड़ता था। बट स्विमिंग केम सो नेचुरली। लेकिन मालू को तैरना बहुत ही कुदरतन आने लगा। वो तैरने सीख गई जल्दी। हर मदर न्यू दिस एंड ऑल कुड सी। उसकी माँ को यह बात पता थी और बाकी के सभी देख सकते थे। फियरलेस वॉज मालू दिस शी न्यू। मालू की माँ को पता था कि मालू कैसी है। फियरलेस मतलब निडर हो गई थी अब। नॉट जस्ट ब्रेव बट स्पेशल टू। ना सिर्फ वो शूर थी अब बहुत खास बन गई थी। तो ये था पोएम का एक्सप्लेनेशन। नाउ लेट्स सी द न्यू वर्ड्स ऑफ द पोएम। लेयर। लेयर मीन्स वाइल्ड एनिमल्स लाइंग प्लेस। ऐसी जगह जहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं दैट इज लेयर। मेन लॉन्ग हेयर ऑन द नेक ऑफ सम एनिमल्स। मेन का मतलब होता है वो बाल जो उनके गर्दन पे होते हैं जानवरों के गर्दन पे होते हैं। क्लास्ट। क्लास्ट का मतलब अपने हाथों में पकड़ लेना या होल्ड करना होल्ड क्लोजली। और एनसर्कल। माइट। माइट मतलब ताकत ग्रेट स्ट्रेंथ। वेयर डिड द पोलार बियर लिव विथ हर फैमिली। द पोलार बियर लिव्ड इन एन आईसी लेयर हाई अप इन एन आईसी लेयर। वॉट डिड मालू लर्न टू डू फ्रॉम हर पेरेंट्स। मालू लर्न टू कैच दिस फिश। मछलियाँ पकड़ना मालू ने अपने पेरेंट्स से सीखा। वेयर डिड मालू वॉन्ट टू ट्रैवल। मालू वॉन्टेड टू ट्रैवल बियॉन्ड द बिग ब्लू स्काई। वो नीले आसमान के आगे सफ़र करना चाहती थी। वॉट वॉज इट दैट मालूज पेरेंट्स वॉन्टेड हर टू लर्न। मालूज पेरेंट्स वॉन्टेड हर टू लर्न टू स्विम। मालू के पेरेंट्स चाहते थे कि मालू तैरना सीख ले। फिफ्थ क्वेश्चन। वॉज मालू स्केयर्ड टू स्विम। डिड शी लर्न इट ईजीली। यस मालू वॉज स्केयर्ड टू स्विम बट लेटर ऑन शी लर्न इट ईजीली। मालू तो शुरू में डर गई थी लेकिन वो बाद में आसानी से सीख गई।